देखो वो वाला जो पहाड़ है ना, ये वाला, ये जहाँ मैंने उंगली रखी जिस पहाड़ पे, इस पहाड़ में ना बहुत स्नो है, ये देखो। अच्छा, इसमें रेस देने की जरूरत ही नहीं है, क्या सिस्टम है ये? सिस्टम इज डिफरेंट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड डे ऑफ आवर राइड और हम हैं सोलंग वैली पे। तो हमारा सेकंड डे है सोलंग वैली का और मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। वो देखो पहाड़ देखो, स्नोफॉल, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया मज़ेदार। देख ही लिया होगा हमें सर्दी वाले कपड़े। कितने कम लोग हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा है ना, कम लोग हैं यहाँ पे, खामखा की भीड़ भाड़ नहीं है। तो मौसम बहुत बढ़िया है और सोलंग वैली के नज़ारे हैं यहाँ। कल की तो हमारी राइड पूरे दिन राइड ही होती रह गई और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह के 10 बज गए हैं, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं घूमने के लिए, जगह सही है। तो यहाँ पे छोटे छोटे रिजॉर्ट हैं, छोटे नहीं इनफैक्ट बड़े रिजॉर्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे भी है तो सही, धूप तो काफ़ी है पर उतनी गर्मी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। दिल्ली वाली गर्मी नहीं है, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। और ये देखो सामने स्नो है, पहाड़ पे बर्फ, कितनी सुंदर लग रही है। सामने वाटरफॉल। तो आज का हमारा प्लान है कि अभी हम सोलंग वैली जाएंगे और सोलंग वैली जाके देखते हैं क्या सीन है। ये भैया कह रहे हैं आगे बाइक चली जाती है, तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे, बर्फ देखेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर मन करेगा तो रोहतांग पास तक चले जाएंगे। रोहतांग तो बंद होगा अभी, रोहतांग। चल चल चल। मतलब मेरे को सेटिंग समझ नहीं आ रही थी क्या क्या कर दिया तूने, ट्रैक्शन बंद कर दिया क्या? मैं बता रहा हूँ, खामखा के पंगे ले रहा है तू, समझ रहा है बात को? क्या ट्रैक्शन तूने बंद कर दिया? मेरे यहाँ लगा देते साइड में, खड़ी कर दे चुपचाप। तो ये है सोलंग वैली और यहाँ का व्यू देखो आप, पीछे वाइट वाइट स्नो का पहाड़ दिख रहा होगा। ये यहाँ पे हालांकि धूप बहुत तेज़ है लेकिन पहाड़ पे बर्फ़ भी है,
यहाँ हमारी टाइगर खड़ी हुई है और मस्त व्यू आ रहा है। लोग घोड़े पे सवारी कर रहे हैं ऑफ रोड की वजह। यहाँ पे एक छोटा सा टेंपल है, टेंपल क्या है वो टिन का शेड है, उसके ऊपर ही मतलब उसी को टेंपल बना रखा, वहाँ तक लोगों को लेके जाते हैं घोड़े से या फिर एक गाड़ी, इस तरह की गाड़ी है ये, इस पे बिठा के चले फिर वरुण। खूब फोटो सेशन चल रहे हैं हमारे, मस्त अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप जब भी आएँ तो शॉपिंग करना या कुछ भी खाने पीने के लिए आप बड़ी बड़ी दुकानों की बजाय अगर छोटे छोटे जो स्टॉल होते हैं इनसे अगर कुछ लो तो इनका भी कुछ बिजनेस, इनको भी कुछ कमाने का मिलता है, तो इन तो बेचारों की यही कमाई है। मेरा कहने का मतलब है कि इनसे कुछ खरीद लेना चाहिए बजाय कि आप बड़े बड़े शॉप्स में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके कुछ खाओ। देखो वो वाला जो पहाड़ है ना, ये वाला, ये जहाँ मैंने उंगली रखी जिस पहाड़ पे, इस पहाड़ में ना बहुत स्नो है, ये देखो। अब मैं आपको एक दूसरा पहाड़ दिखाता हूँ, ये वाला पहाड़ है ना, जो ये वाला पहाड़, ये इस पहाड़ पर जिस पे उंगली रखी है हमने, वो देखो पैराग्लाइडिंग दिख रही है आपको, वो रोहतांग का रास्ता है, रोहतांग का रास्ता है। अच्छा ये अपने आप ही चलती है क्या? अच्छा इसमें रेस देने की जरूरत ही नहीं है, क्या सिस्टम है ये? सिस्टम इज डिफरेंट। कमरे का क्या हाल बना रखा है, ये हमारा कमरा है, यहाँ जैकेट है, जैकेट्स, ये हमारे लगेज सारा, सैडल बैग, टैंक बैग, ट्राइपॉड, और ये हमारे गैजेट्स पड़े हैं, सारे चार्ज हो रहे हैं। ये देखो बाहर, यहाँ आवाज आ रही है बाहर, बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी पानी, रिवर चल रही है साथ में, उसकी आवाज आ रही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा दिन राइड का कंप्लीट हो गया है और कल हमारा प्लान है सुबह निकलने का 5 बजे, 5 बजे तो खैर नहीं निकलेंगे, 6 बजे निकल जाएंगे। जगह हैपनिंग है, ज्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, तो मैं ये वाला एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and keep loving us and keep it raw. Please like and subscribe and share.